सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल सही देखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न साइंस सेक्शन से, कि जो आपका पूछा जाएगा पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में 2021 में। तो अच्छे से कीजिएगा क्लास, पूरा डिटेल में है। यहाँ से आपको प्रश्न रिपीट होगा आपके एग्जामिनेशन में, बहुत महत्वपूर्ण है, तो पूरा करिएगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में, प्रीवियस ईयर मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का, साइंस का, इंग्लिश का पूरा सॉल्व करा रखा है। जीके सारा वीवीआई क्वेश्चंस आपको करा रखा है, जाके एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छे से देखिएगा। चलिए समय ना गाते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज। विच इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, तो आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है, यानी राजकरकट, स्पेनोडॉन, एस्क्रिप्टोटेरिक्स या पेरिपेटस। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट्स में अपने आंसर दीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। कि आपको बताना है लिविंग फॉसिल फ्यूल्स कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपका जो किंग क्रैब है, स्पेनोडॉन है और पेरिपेटस, ठीक है, ये तीनों आपका लिविंग है, ठीक है। लेकिन आपका आर्किप्टोथेरिक्स आप लोग जानते हो, कलेक्टिव लिंक बिटवीन बर्ड्स वाला था पार्ट, तो ये आपका डेड है, ठीक है, तो ये नॉट लिविंग में चला जाएगा, ये डेड है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आर्किप्टोथेरिक्स किसके बीच में लिंक कराता था, फिर से बताइए कॉमेंट बॉक्स में, कॉमेंट बॉक्स में बताइए ये किसके बीच में आपका लिंक करवाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, किंग क्रैब जीवित है, स्पेनोडॉन जीवित है, पेरिपेटस अभी भी जीवित है, तो ये तो लिविंग फॉसिल्स हो गए। नॉन लिविंग में मतलब आपका आर्किप्टोथेरिक्स हो गया, तो सी इज द करेक्ट आंसर। और ये लोग हम लोग देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 12th का है, ठीक है, इवोल्यूशंस वाला जो यूनिट है ना, वहाँ से पूछा गया, ठीक है। तो एक बार क्लास 12th का भी इवोल्यूशंस कर लीजिएगा, आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्लास 12th इवोल्यूशंस वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चंस बनता है आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो गया आपको, और कमेंट करके बताना है आपको कि आर्किप्टोटेरिक्स, आर्किप्टोटेरिक्स आपका किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है, जैसे यूक्लिना आपका है ना, यूक्लिना भी किसके बीच में। चलिए इससे एक और क्वेश्चन आ गया कि यूक्लिना भी आपका जो आप लोग देखते हो यूक्लिना, लीना आपको उसका बताना है ये किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक का मतलब किस दो चीज़ों को ये जोड़ता है, तो यूक्लिना का और आर्किप्टोथेरिक्स का आपको दोनों को कमेंट्स करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आंसर तो मैंने बता दिया सी, तो ये आपका वर्क है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मेरे तरफ से होमवर्क है, तो आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच प्लांट प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्लावर। तो आपको बताना है कौन सा पादप बीज तो बनाता है लेकिन पुष्प नहीं। तो ये किस चीज़ का है कि बीज तो बनाता है यानी फ्लावरलेस सीड्स, फ्लावरलेस सीड्स कौन बनाता है, यही चीज़ हम लोग को अभी देखना है कि फ्लावरलेस सीड्स आपका कौन बनाता है। तो ए है मक्का यानी मेज, बी है आपका मिंट, सी है आपका पीपल और डी है आपका पाइनस। तो आपको बताना है करेक्ट आपका क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका है डी, पाइनस, ठीक है। उसके पीछे भी आपका एक थ्योरी है, क्योंकि आपका जिम्नोस्पर्म जो रहता है, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है, बाकी तीनों एबीसी, मेज, मिंट, पीपल, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आपका एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म आपका क्या देता है, आपका फ्लावरलेस सीड पेयरिंग प्लांट्स है, तो पाइनस उसी का एग्जाम्पल है, और एंजियोस्पर्म का बाकी सब आपको एग्जाम्पल्स है, मेज, मिंट, पीपल, तो उसमें बियर करता है फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड सीड्स, तीनों सीड्स भी होगा उसमें, फ्रूट्स भी होगा और आपका फ्लावर भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो कि प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेगा बीज लेकिन पुष्प को करेगा बिना पुष्प के, तो वो है आपका पाइनस, और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें बस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म करना था, प्लांट किंगडम से आपका था। सो इसका हम लोग देख लेते हैं कि डी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
क्लोजेस्ट रिलेटिव टू मैन, यानी कौन एक मानव से घनिष्ठ संबंधी है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरैंगोटैन या गिबन। तो इसका बहुत इजी आंसर है, इवोल्यूशन चैप्टर के ऊपर है। एक बार इवोल्यूशन चैप्टर जाके क्लास 12th का पढ़िए, क्लास 12th का इवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ दे रखा है आपको। और इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, चिंपैंजी, क्योंकि चिंपैंजी ही हमारा सबसे नज़दीकी जीनेटिक मटेरियल सबसे ज़्यादा परसेंट में होता है, यानी 98% हमारा जो जीनेटिक ब्लूप्रिंट है, जीनेटिक ब्लूप्रिंट वो मैच करता है ह्यूमंस से, चिंपैंजी का। तो ह्यूमंस और चिंपैंजी के बीच में 98% का जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, और ये सबसे ज़्यादा है चिंपैंजी में। उसके बाद गोरिल्ला और ओरैंगोटैन और गिबन्स में आता है, ये भी इनका भी ज़्यादा है, 95, 96, 94 ऐसे करके। सबसे ज़्यादा चिंपैंजी का है, तो चिंपैंजी यानी ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, 98% है सबसे ज़्यादा। ह्यूमंस का किसी भी चीज़ से मिलता हो तो चिंपैंजी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन उसी को आंसर आएगा जो अच्छे से क्वेश्चंस और एनसीईआरटी को पढ़ रखा होगा। तो आपको चिंपैंजी पढ़ने के लिए पूरा इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो इजी है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा ना इवोल्यूशन चैप्टर का, तब जाके आपसे ये क्वेश्चंस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एनसीईआरटी को हमेशा अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, कोहनी किस प्रकार की संधि है, ठीक है, कोहनी में किस प्रकार की संधि होती है। तो ऑप्शन है आपके बॉल एंड सैकोट जॉइंट्स, बॉल एंड सैकोट जॉइंट्स, बी कब्जा हिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स, ठीक है, और सी आपका हो गया फिक्स्ड जॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका कोहनी यानी एल्बो, एल्बो आपका हिंग जॉइंट का एग्जांपल है। तो कब्जा, ठीक है, कब्जा वाला आपका हिंग जॉइंट है। कैसे कि हमला 180 डिग्री पे आपका हाथ मुड़ता है ना एल्बो को, जैसे फिगर के माध्यम से ये आपका हैंड हो गया, ठीक है। तो हैंड को आप क्या कर सकते हो, सीधा कर सकते हो, फिर वापस यहाँ ला सकते हो 90 डिग्री पे, फिर वापस मोड़ सकते हो इस तरह से। तो ये 180 डिग्री तक हाथ आपका एल्बो से खुल सकता है, तो आपका हिंज जॉइंट यानी कब्जा, ठीक है। तो इसका बी सही आंसर होगा, बॉल सैकोट जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स के टाइप्स होते हैं उसमें कब्जा यानी हिंज जॉइंट, HINGE हिंज जॉइंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपका कब्जा सही होगा, बॉल सैकोट जॉइंट, फिक्स जॉइंट ये सब नहीं होगा, ठीक है। बॉल सैकोट जॉइंट का क्या एग्जांपल होगा, आपका शोल्डर, शोल्डर जो हमारा कंधा में हम लोग पूरा रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री, मतलब इसको 360 डिग्री पूरा घुमा सकते हैं कोई भी एंगल पे। तो ये आपका बॉल एंड सैकोट जॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये था आपका जॉइंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है विच सिक्रेट्स हेपरिन, कौन सी कोशिका हेपरिन को सिक्रेट करती है। तो आपका न्यूट्रोफिल्स, उदासीन रागी, क्षारिक रागी यानी बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स रागी, मोनोसाइट्स। तो आपका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स। चैप्टर शो करने से पहले कहाँ से ये क्वेश्चन आए वो देख लेते हैं। ये आपका क्लास 11th का एनसीईआरटी से आया है, यानी आपका ये आया है ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला, जो ब्लड वाला चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ से आया है। उसमें आपको ये सारे डिटेल्स में एनसीईआरटी में दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कौन सा हेपरिन को बनाता है, तो जिसको हम लोग अदर नेम में मास्ट सेल भी बोलते हैं, मास्ट सेल, क्या नाम है उसका, बेसोफिल, क्षारिक रागी, बेसोफिल्स, ठीक है, यानी आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एस्नोफिल्स क्या बनाता है, मोनोसाइट्स का क्या काम है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में करना है। न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, इसका वर्क क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे लिम्फोसाइट्स का बता देता हूँ, तो ये लिम्फोसाइट्स जैसे डी में लिम्फोसाइट्स रहता, तो लिम्फोसाइट्स का क्या वर्क है, लिम्फोसाइट्स का आपका काम है इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सबका वर्क क्या है पर्टिकुलर हमारे बॉडी में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्स यू दैट इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। सो यू हैव टू आंसर कि किस में आपका, किस एनिमल में आपका नर्व सेल तो प्रेजेंट होता है बट मस्तिष्क नहीं होता, यानी किस में तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। तो स्पंज, केचुआ, कॉकरोच और डिहाइड्रा, यानी स्पॉन्ज, अर्थवर्म, कॉकरोच और हाइड्रा।
तो ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर से आया है, ठीक है। ये वाला आपका आया है क्लास 11 से। इसी पे बेस्ड चैप्टर है फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवर्म। वो वाला चैप्टर आपको करना है अच्छे से, वहाँ से क्वेश्चंस आपका बनता है हमेशा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रा में आपका ना तो नर्व सेल होता है और ना ही मस्तिष्क होता है, ठीक है। सॉरी, ना हाइड्रा में होता है नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन नहीं रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉन्ज में क्या होता है? तो स्पॉन्ज में आपका नर्वस सिस्टम नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता, नो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, ठीक है। वो लोग लैग करते हैं, सो नर्व सेल्स उसमें नहीं होता, ठीक है। और अर्थवर्म और कॉकरोचेस, अर्थवर्म और कॉकरोचेस में आपका नर्वस सिस्टम होता है, यस, इसमें तो नो है, बट इसमें आपका ब्रेन नहीं होता। ब्रेन के फॉर्म में आपका रिंग्स, नर्व रिंग्स होती है, नर्व की रिंग्स होती है, ठीक है, जो कि काम करता है गैंग्लिया की तरह, जुड़ के आपस में गैंग्लिया। तो ठीक है, ब्रेन नहीं रहता है पर्टिकुलरली, लेकिन गैंग्लिया रहता है, ठीक है। और हाइड्रा में तो रहता ही नहीं है, तो डी आपका करेक्ट होगा। तो स्पॉन्ज में नहीं रहता है, अर्थ और कॉकरोचेज में नर्व रिंग रहता है गैंग्लिया के फॉर्म में, तो ब्रेन नहीं रहता, इसमें भी ब्रेन नहीं रहता, रहता तो सही रहता, तो ब्रेन, ठीक है, तो आपका डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है? द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ वर्ल्ड। तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बताना है, यानी पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी कौन थे? नीला हरित शैवाल, रसायन परपोषिता, स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, केमिकल हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें कीमो हेटरोट्रॉप्स, यानी रसायन परपोषिता जो थी उसमें हम लोगों का फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो आपका किया था विकास, लेकिन पहले आया था आपका ऑटोट्रॉप्स, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात हो रहा है। फोटो ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स ये आपका पहले आया था, लेकिन यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात कर रहा है, तो जिसके कारण आपका उस केस में आपका कीमो हेटरोट्रॉप्स होगा, ठीक है। कीमो हेटरोट्रॉप्स यानी बी आपका हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जीन जो प्रोड्यूस था बाद में ना, कीमो जो कीमो ऑटोट्रॉप्स था उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट था कीमो हेटरोट्रॉप्स, तो आपका फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कीमो हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड, ठीक है। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड क्या है? आप तो कौन सा एक अमाइनो एसिड मॉडिफाइड अम्ल है? एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, और डी आपका एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा आपका सही आंसर। तो मॉडिफाइड अमाइनो एसिड क्या है आपका? मॉडिफाइड अमाइनो एसिड क्या है आपका, ठीक है, तो वो आपका होगा एपिनेफ्रिन, ठीक है। एपिनेफ्रिन को हम लोग और अदर नेम यानी एड्रेलिन के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट है, एड्रेलिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और ये सिक्रीट किया जाता है बाय एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है, ये निकलता है मेड्यूला, और इसको हम लोग अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं, कैटीकोलामीन्स, ठीक है। और ये आपका डिराइव्ड होता है अमाइनो एसिड से, जिसको हम लोग मॉडिफाइड भी बोलते हैं, थ्रायोसिन से, ठीक है, किससे? तो थ्रायोसिन से डिराइव्ड होता है। तो ये हो गया ए का। अब बी सी डी का भी देख लेते हैं हम लोग, बी सी डी में क्या बोलता है। ए तो चलिए करेक्ट आंसर निकला, बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, जो कि ओवरी के द्वारा सीक्रेट होता है, ओवरी, और ओवरी में क्या? कॉर्पस लुटियम, ठीक है, कॉर्पस लुटियम द्वारा, ग्राफियन फॉलिकल का जो पार्ट है आपका, ग्राफियन फॉलिकल सभी जानते हैं ना, ग्राफियन फॉलिकल, तो उसका पार्ट है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ओवरी में सिक्रीट होता है कॉर्पस लुटियम के द्वारा, जो कि ग्राफियन फॉलिकल का एक पार्ट है,
प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कर लीजिए। सी में क्या होगा? प्रोस्टा ग्लैंड टीन्स, ठीक है। ये क्या आपका लिपिड कंपाउंड है, एक लिपिड कंपाउंड है जो हार्मोन है आपका, ये हार्मोन है, लिपिड लिपिड हार्मोन है, ठीक है, अमाइनो एसिड नहीं है, ये लिपिड है, तो ये तो होगा ही नहीं प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी में आ जाता है, ठीक। और आपका डी एस्ट्रोजिन, एस्ट्रोजिन क्या है? ये सेक्स हार्मोन है, क्या है? ये सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। और इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो होता है उसका ये करता है। तो ये आपका प्रॉपर डिफिनेशन हो गया सारा और एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लीजिए अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो, क्योंकि वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको मैंने और भी क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं वीवीआई, तो पैरामेडिकल पैरामेडिकल डेंटल्स वगैरह के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, आपका पूरा मैंने सॉल्व करा रखा है, तो आप जरूर जाके देखिए। कोई भी स्टेट्स को, यूपी बिहार झारखंड, आप सबको जाके देखिए और क्वेश्चंस को करिए, प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्यों आप पूछ रहा है कि साइक्लिक लाइट फॉस्फोरिलेशन, इसको फॉस्फोरिलेशन कर लीजिएगा, प्रोड्यूसेस क्या? तो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन आपका क्या द्वारा निर्माण होता है, क्या निर्माण करता है? तो आंसर होगा डी एटीपी, ठीक है, एटीपी बनाता है, तो करेक्ट आंसर होगा एटीपी। और ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का है, तो प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से कर लीजिएगा क्लास 11th का, ठीक है, वहाँ से एक प्रश्न पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ, यानी आपको बताना है कि यूरिक अम्ल किसकी उत्सर्जकता का प्रथम पदार्थ, मतलब मुख्य पदार्थ होगा, मेन कंपोनेंट होगा आपका न्यूट्रोजिनस नाइट्रोजिनस कंपाउंड का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में। तो ए है ह्यूमन, बी है कछुआ, सी है कॉकरोच, और डी है मेंढक फ्रॉग। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको जानना है यूरिकोटेलिक एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में? तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स, यूरिकोटेलिक एनिमल्स के बारे में। यहाँ क्या पूछ रहा है आपको कि आपका बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, कॉकरोचेस और स्नेल्स और टेरेस्ट्रियल्स इंसेक्ट जितने भी हैं सब यूरिकोटेलिक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपना मेन प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में यानी यूरिक एसिड के रूप में, यूरिक अल्ब के रूप में आपका निकालते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक में, तो ये अमोनिया को यूरिक एसिड में लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको फिर वाटर के साथ, आपको लेस अमाउंट वाटर के साथ भी रिलीज कर सकते हैं। तो ये आपका कॉकरोचेस में होता है यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा सी, यूरिकोटेलिक एनिमल्स यानी यूरिक एसिड यानी कॉकरोचेस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। तो यूरिकोटेलिक वैसे एनिमल्स है जो अमोनिया को लेस टॉक्सिक वे में कन्वर्ट करते हैं यानी यूरिक एसिड में, और कम पानी में भी आराम से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में निकाल सकते हैं। तो ये आपके बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, कॉकरोचेस, स्नेल्स, ये सारे एग्जांपल्स हो गए यूरिकोटेलिक एलिमेंट्स का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में माय डियर स्टूडेंट्स क्या पूछा जा रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। सो कौन एक प्रवृत्ति आपका ध्रुव मॉलिक्यूल्स, किस चैप्टर से है? बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चंस में आपको म्यूटा रोटेशन पूछ रहा है, तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? म्यूटा रोटेशन क्या होता है, हम प्रत्येक क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है? तो ये एक तरह का ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ठीक है। और ऑप्टिकल रोटेशन वही शो करता है जो आपका रिड्यूसिंग शुगर्स होता है। दो तरह के शुगर्स होते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर्स और एक होते हैं आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर दे विल शो म्यूटा रोटेशन एंड नॉन रिड्यूसिंग नो, ठीक है। सो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की बात यहाँ पे हो रही है, और ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन इस वजह से होता है जब उसमें फ्री आपका हाइड्रोक्सियल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सियल ग्रुप हो, ठीक
ठीक है, यानी आपका OH ग्रुप। तो रिड्यूसिंग शुगर्स में फ्री रहता है, इसमें फ्री नहीं रहता नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में। तो सुक्रोज एक तरह का नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, यानी इसमें फ्री आपका नहीं रहता हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सियल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, आपको जानते हो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये बनता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं रहता, नॉन रिड्यूसिंग में चला जाता है। बाकी आपका लैक्टोज हो गया, माल्टोज, फ्रक्टोज, सब में आपका हाइड्रोक्सियल ग्रुप यानी OH ग्रुप फ्री रहता है, जिसकी वजह से ये म्यूटा रोटेशन ईजिली शो कर पाते हैं। सो OH के ग्रुप के वजह से म्यूटा रोटेशन यहाँ शो होता है। तो विदाउट द हाइड्रोक्सियल ग्रुप आपका रिंग ओपन नहीं होगा एंड क्लोज भी नहीं होगा, देयरफॉर वो लोग म्यूटा रोटेशंस में नहीं जाते, यानी ध्रुवन घूर्णन में नहीं जा सकते। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैन नॉट गो अंडर म्यूटा रोटेशन। तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के जितने भी एग्जाम्पल होते हैं म्यूटा रोटेशंस में नहीं जा पाते हैं। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी ये दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर्स, या दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। और पहला ही चैप्टर खोलिएगा तो पहला दूसरा पेज इसी के ऊपर है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग NCERT पे। तो NCERT को क्लास के बाद जरूर एक बार रेफर कीजिए अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। तो जाके मैंने चैप्टर्स बता दिया, पेज भी बता दिया कि पहला दूसरा पेज पे बायोमोलिक्यूल्स का यही आपको डिस्कस किया गया, और आपके एग्जाम्स में भी ये आ सकता है, बिहार में आया, झारखंड यूपी वाले पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक में भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या नाम होगा, मिथाइलामाइन। सो कौन सा अभिकर्मक एसिटामाइड के साथ CH3NH2 का उत्पाद करेगा? तो PCl5, NOH, NBr, सोडा लाइम, सोडा लाइम, और गर्म कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट H2SO4। सो जब भी बात आती है एसिटामाइड को कन्वर्ट करने की मिथाइलामाइन की, तो ये एक नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है नेम रिएक्शन, और ये बहुत बार पूछा जाता है ये नेम रिएक्शंस। तो इसका नाम क्या है आपका, तो बहुत बढ़िया नाम है, हॉफमैन ब्रोमो अमाइड, ठीक है, ब्रोमो अमाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये इस रिएक्शन का नाम है। सो इस रिएक्शन में क्या होता है आपका, एसीटामाइड, एसीटामाइड, एसीटामाइड का क्या फॉर्मूला होगा, तो आपका CH3CONH2, आपका एसीटामाइड को कन्वर्ट करना रहता है CH3NH2 में, यानी मिथाइलामाइन में। तो जब भी ऐसी बात आएगी कन्वर्जन की, तो आपको ये यूज करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं, तो Br2, ठीक है, प्लस NOH, ये दोनों हम लोग डालते हैं, तब जाके ये कन्वर्ट होता है। तो ये क्या बनता है आपका, मिथाइलामाइन प्लस 2KBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O। बैलेंस कर लीजिए, इधर भी 4Na लगा दीजिए, देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यस रिएक्शन इज बैलेंस। तो आपका ये प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको Br और NaOH का जरूरी है। तो जब भी हॉफमाइन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का बात आएगा, तो आपको ये वाला चीज यूज करना है रिएजेंट, ठीक है, NaOH Br2। तो नेम रिएक्शंस के लिए, नेम रिएक्शन यानी ये स्पेशल रिएक्शंस है, और इस टाइप का ये एग्जाम्स के लिए VVI है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हॉफमैन ब्रोमोअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर साल एक प्रश्न रहता ही रहता है, ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विच वन इज अ कोरोजिव सब्लिमेट। तो आपको बताना है कि कोरोजिव सब्लिमेट किसे कहते हैं, SnCl2, Sg2Cl2, HgCl2 या SnCl4, ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोरोजिव सब्लिमेट किसे कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी, HgCl2 को हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब्लिमेट का मतलब क्या होता है कि ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग हैज कोरोजिव एक्शन। तो ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पर इसको कोरोजिव एक्शन शो करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट, ठीक है। तो ये कोरोजिव सब्लिमेट का एक एग्जाम्पल हो गया, तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, कोरोजिव
सबलिमेट, सबलिमेट तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th का, एनसीईआरटी का। तो इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया आपको दे रखी है 2A गैस प्लस B गैस जो साम्य अवस्था पर है आपका, यानी जो ये साइन है वो साम्य अवस्था का, इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का साइन है, और 3C गैस और D यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको दे रखा है। बीच में आपका इक्विलिब्रियम का साइन है, 2A और B आपका रिएक्टेंट है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 m है, ठीक है, 1 मोलैरिटी है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम आपका D का कितना है, 0.25, ठीक है। तो 0.25 D का आपका दे रखा है एट इक्विलिब्रियम। तो आपको यहाँ से निकालना है कि आपका K इक्विवेलेंट क्या होगा। तो K इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोगों को रिएक्शन लिखनी होगी। तो एक रिएक्शन आइए नीचे लिख लेते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यानी 2A, और इधर आपका साम यानी इक्विलिब्रियम का साइन है, यानी किस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 एनसीईआरटी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, VBI चैप्टर। सो आपको यहाँ रिएक्शंस क्या, फिर 3C+D, तीनों क्या आपके गैसियस, गैसियस गैसियस एवं गैसियस, ठीक है, तीनों आपका गैसियस 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 पे। तो एट इनिशियल यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मोलैरिटी क्या होगी आपकी, एम यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी तो ये हो जाएगी आपकी 1, ये भी हो जाएगी 1, और ये 0 0, ठीक है, क्योंकि यही दे रखा है प्रारंभ में 1 m है, तो दोनों का 1 m 1 m रहेगा। तो 1 m 1 m भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, सो क्या होगा कि आपका 1 मिनट से घटेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको गिवेन है कि 0.25 m हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होगी ना, 1 m से इधर जाएगी ना, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तब तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी रिएक्टेंट्स की। तो 1 में से आपको 2 x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्या है, तो x आपका यही है 0.25 m, तो इसको माइनस कीजिए, क्योंकि जो D का है वही A B C तीनों का वही रहेगा इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। सो 1 माइनस 2 x यानी 2 × 0.25, तो कितना आ रहा है आपका, 0.5, ठीक है। तो 1 में से 50 घटा दीजिए, 0.5, तो 50, 0.5 बचा। यहाँ भी सेम करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, 1 माइनस 0.25 होगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि एक ही है x, 2 x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 लिए, क्योंकि मोलर कॉफिशियंट है, यहाँ पे 1 है, तो आराम से ये 0.75 हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, इधर साइड, तो इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा, 3 है ना, तो ये आपका 3 × 0.25, तो 0.75, और ये कितना हो जाएगा आपका, 0.25, जैसा कि तैसा, क्योंकि हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटू किए हैं, इधर सब्ट्रैक्ट इसलिए किए क्योंकि इधर कम हो रहा था, इधर डायरेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए इधर इंटू किए डायरेक्ट, इधर घटाएं नहीं। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों अलग चीज करना है हम लोग को। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आ गया, सबका वैल्यूज आपको आ रखी है, सबका वैल्यूज आ रखी है। अब मैं ऊपर यहाँ पे फाइनल के इक्विवेलेंट आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो इस टाइप का रिएक्शंस आपको आ सकता है, बस ये बहुत इजी रिएक्शन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। सो आपको क्या करना है, अब बस रिएक्शंस लिखना है। तो रिएक्शंस लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इक्विलिब्रियम का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा, के इक्विवेलेंट लिखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा था, प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स का लिख देना। तो प्रोडक्ट्स क्या आपका, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.75 यानी सी का, तो 0.75, और इसके ऊपर 3 पावर रहेगा क्योंकि कोफिशेंट में 3 है, तो 3 हो गया। अब डी का लिखना है, तो डी का क्या हमको, एस एज इट इज दे रखा है, कोई है इसके आगे कॉफिशियंट नहीं है, तो जस्ट एज इट इज लिख दीजिए। अब प्रोडक्ट का तो हो गया, अब रिएक्टेंट का नीचे लिखाएगा, तो ए का लिखना है, ठीक है, ए का, तो ए का आपका क्या है, 0.5, तो 0.5 दे दीजिए कॉन्सेंट्रेशन का साइन। आगे में मोलर कॉफिशियंट 2 है, तो 2 लग जाएगा।
अब बी का लिखते हैं, तो बी का क्या निकला था 0.75, तो 0.75 कॉन्सेंट्रेशन कुछ है आगे नहीं है, तो एज इट इज। अब मिलाइए, ऐसा कहाँ मिल रहा है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो ये इक्विलिब्रियम का सवाल था, के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट का ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बस निकालिए एट इनिशियल पे, इनिशियल पे 1 1 रहेगा और 0 0 रहेगा प्रोडक्ट का, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, और एट इक्विलिब्रियम पे माइनस कर देना होगा आपको, और इधर मल्टीप्लाई कर देना होगा, और डी का दे रखा था 0.25। तो बस इतना इजी न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ करना था क्या, जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज भी होता आपको इक्विलिब्रियम का, और है भी, तो आपको ये सॉल्व हो जाएगा। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार इक्विलिब्रियम जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पे फाइव देखते देख हैं। तो लेते नेक्स्ट हैं, क्वेश्चन आपसे विच क्या वन पूछ इज रहा है, इन्वॉल्व विच इन द वन स्ट्रक्चर इज ऑफ बोथ इन्वॉल्व मैनी इन द प्रोटीन्स स्ट्रक्चर ऑफ बोथ एंड मैनी प्रोटीन्स वल्केनाइज्ड रबर। रबर। तो प्रोटीन्स और वल्केनाइज्ड वल्केनाइज्ड रबर, रबर तो तो वल्केनाइज्ड रबर से आपको क्या याद आ जाता है कि सल्फर, जहां भी वल्केनाइज्ड रबर या वल्केनाइजेशन का बात होगा वहां पे हम लोग सल्फर का बात करेंगे, और ये किस चैप्टर से है, आपका पॉलीमर्स चैप्टर से है। पॉलीमर्स चैप्टर यानी क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है आपका पॉलीमर्स, सेकेंड लास्ट, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से आपका प्रश्न हर बार बनता है एक एक। सो ये एक से दो प्रश्न यहाँ से हमेशा बनते हैं, तो आपको पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से करना है, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं, बायोमोलिक्यूल से जरूर देखेगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, VVI चैप्टर से ये दोनों, और आपने देखा भी कि दो क्वेश्चन अभी तक हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। सो यहाँ मैंने क्या कहा कि आपको सल्फर आपका वल्कनाइज रबर में आ जाता है बात। कौन दोनों कई प्रोटीन और वल्कनाइज रबर का संरचना में शामिल होता है, तो आइसोप्रीन संरचना यानी आइसोप्रीन संरचना, ठीक है, एस एस बॉन्ड, सल्फर सल्फर बॉन्ड, एच बंध, या मायो मायोथिनिन का एक अंश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड। तो ये वल्कनाइजेशंस में हम लोग जानते हैं कि सल्फर बॉन्ड के आ जाने के वजह से रबर, नॉर्मल रबर वल्कनाइज्ड, यानी वल्कनाइजेशन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वल्कनाइजेशन हो गया रबर का, ठीक है। सो आपका जहाँ भी ये बात आएगा आप हमेशा सल्फर को याद करना, वल्कनाइजेशन जहाँ भी शब्द आया सीधे आप सल्फर की तरफ जाना, ठीक है, सल्फर सल्फर बॉन्ड्स के बीच में। तो ये सल्फर सल्फर बॉन्ड बन जाता है जिसके वजह से रबड़ में इलास्टिसिटी और बढ़ जाती है, वल्कनाइज हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है आपका रबड़ और, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और बायो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए यूपी, बिहार, झारखंड तीनों स्टेट के लिए पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस दोनों चैप्टर्स को, क्लास 12th का आखिरी चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से वन लाइनर प्रश्न और इस टाइप के प्रश्न आपको ज़रूर दिखेंगे आपके एग्जामिनेशंस में, और ये बिहार का था, आगे मैं यूपी झारखंड के लिए भी स्पेसिफिक लाऊंगा, ठीक है, हर जगह का मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको हर स्टेट का करना है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, क्योंकि सारे का आधार क्या है, NCERT, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो आपका तैयारी और मजबूत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कॉटन कंटेन सेल्यूलोज इन दिस परसेंटेज, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न बिहार पैरामेडिकल में भी आता है, ये पैरामेडिकल डेंटल डिस्कस कर रहे हैं, और ये रिपीटेड प्रश्न है। सो कॉटन का अंश सेल्यूलोज में कितना होता है, ठीक है। सो आइए पूरा देख लेते हैं, कॉटन, कॉटन में आपका 90 से 95% होता है सेल्यूलोज, ठीक है, बाकी का भी डिस्कस कर लेते हैं। 7 से 8% आपका रहता है प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, क्या बोलते हैं हम लोग प्रोटोप्लाज्म को, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। फिर उसके बाद आ जाता है पैक्टिन्स, तो पैक्टिन्स का आपका 0.055% पैक्टिन्स होते हैं, 0.5% वैक्सेस भी होते हैं आपके, ठीक है। और बचा आपका फैटी सब्सटेंस और मिनरल सॉल्ट्स, फैटी सब्सटेंस एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये था आपका पूरा कंटेंट। तो सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है नेचुरल फाइबर, यानी डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। सो ये डेटा को अच्छा से आप लोग याद कर लीजिएगा, सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मात्रा में, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर पैक्टीन्स, वैक्सेस, फैटी सब्सटेंस, मिनरल सॉल्ट्स, दीज आर ऑल द कंटेंट ऑफ अ कॉटन, कॉटन का ये सारा कंटेंट है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है
इफ द पीएच ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaOH twice यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 12, ठीक है, पीएच दे रखा है आपको 12, तो केएसपी क्या होगा आपका, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ठीक है, दिस सॉल्ट का। आपको यदि BaOH twice का आपको दे रखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का विलयन का पीएच 12, तो इसका लवण का केएसपी क्या होगा, सॉल्ट का पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका बेस है, क्या है ये बेस है। हमको कैसे क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट ये कहाँ का है, इक्विलिब्रियम का है, क्लास क्लास 11 चैप्टर नंबर 7, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बहुत। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14, ये हमें पता है, हम पढ़ रखे हैं। पीओएच निकालना है ना, क्योंकि एक हाइड्रोक्साइड है, तो क्या करना होगा हमको, 14 माइनस इसका पीएच को माइनस करना होगा, तो कितना है आपका 14 माइनस 2, तो 2, क्यों, क्योंकि आपका पीएच कितना दे रखा है 12, ठीक है, तो 2 आपका पीओएच निकल गया। अब पीओएच दिया हुआ है हमको, पीओएच तो 10 का पावर में चला जाएगा पीओएच, ठीक है, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, लॉग निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पीओएच का हम लोग माइनस लॉग ओएच माइनस का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 10 का पावर माइनस 2 करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 निकाल रखे हैं, ठीक। ये आपका इक्वेशन 1 चला गया। अब हमको यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में आ जाइए, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, यही रिलीज करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम यानी शाम पर इक्विलिब्रियम आपका Ba2 प्लस X मान लिए, तो OH माइनस 2 क्या होगा, 2X देगा, क्योंकि 2 है इसमें, ठीक। तो सिंस आपका 2X बराबर क्या आपका निकला, 10 का पावर माइनस 2, यहाँ से, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वाला चीज लिए, ठीक है, यहाँ वाला इक्वेशन से। इसमें क्या हुआ आपका, देयर फोर एक्स निकला आपका कितना, 10 का पावर माइनस 2 डिवाइड 2, 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ये आपका निकल गया, ठीक। तो आपका एक्स क्या निकला, एक्स आपका निकला, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एक्स आपका निकला 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2। अब इसका के एस पी निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ए टू प्लस का इंटू ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि 2 रिलीज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, ठीक है। फिर उसके बाद 10 का पावर माइनस 2 रहेगा, ये इस पर ट्वाइस चढ़ा दीजिए, तो आपका ओवरऑल क्या है आपका 0.5 इंटू 10 का पावर 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्लास के बाद एक बार फिर से, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पीएच पीओएच का यानी पीएच के ऊपर सवाल था, और आपको यहाँ पे पहला इक्वेशन निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं आपका पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस, तो बस वही पुट कर देना है, तो पीओएच का क्या हो जाएगा आपका 10 का ऊपर चला जाएगा, बस यही करना था। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा जा रहा है कि एसिटोफिनोन क्या है। एसिटोफिनोन इज एक अल्म है, एक कीटोन है, एक ईथर है, या है अमाइड। तो आपको बताना है एसिड है, कीटोन है, या ईथर है, या अमाइड। तो एसिटोफिनोन है क्या, तो ये ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का प्रश्न है, कार्बनिक रसायन का, तो आपको बताना है एसिटोफिनोन है क्या। एसिटोफिनोन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, उसके बाद शायद आपको आंसर खुद आ जाए, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये है क्या, जी हाँ, अब आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है कि ये एक कीटोन है, क्या है, ये एक कीटोन है, तो इसमें कीटोनिक ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, एसिटोफिनोन एक
कीटोन है। अब आपका मैं एक वर्क दे रहा हूँ, आपको ये कमेंट में करना है, कमेंट्स में आपको बताना है कि इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा, यानी एसिटोफिनोन तो ये कॉमन नेम हो गया, इसको अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसको क्या नाम देंगे एसिटोफिनोन को, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका वर्क है, आपको कमेंट्स करके बताना है, कमेंट्स में मैं सबका चेक करूँगा। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट एज एन इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन, तो कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में पाया जाता है या उपस्थित रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, यानी PM के स्टूडेंट है, बिहार PM के स्टूडेंट्स, तो उनको मैं बता दूं कि यही सेम प्रश्न आपका 2020 के क्वेश्चंस में पूछा था, यानी 2020 का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा, तो 2018 के पैरामेडिकल डेंटल का सवाल है ये, ठीक है। जाके 2020 का देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है 2020 का पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल का, और अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स जाके देखे उन्हें तो क्वेश्चंस किस तरह से रिपीट होते हैं। तो ये 2018 का प्रश्न है जो कि 2020 में पूछा है, सेम डिटो प्रश्न है, समझ गया। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पैरामेडिकल डेंटल के, ठीक है। तो अच्छे से पूरा पैरामेडिकल डेंटल कर लीजिए और जाके खुद देखिए कि क्वेश्चन सेम है कि नहीं। सो क्वेश्चंस क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था कि कच्चे लोहे में क्या अधिकतम मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस या मैंगनीज, तो आपको बताना है कौन सा है। तो आंसर क्या है आपका, यस, सबका सही आंसर आ रहा है कार्बन। कार्बन सबसे ज्यादा अशुद्धि के रूप में पाया जाता है आपके कच्चे लोहे में, यानी कास्ट आयरन में। सो इसकी मात्रा क्या होगी आज ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो ये 4 से लेके 4.5% के मात्रा में कार्बन पाया जाता है, और 2020 वाले वीडियो में मैंने सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज तीनों का परसेंटेज बता रखा है। तो एक बार जाके 2020 का प्रश्न फिर से देख लीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो पहली बार जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा है, ठीक है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, PM PMD करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके पूरा करिए, चाहे आप कोई भी स्टेट्स को, UP, बिहार, झारखंड, आराम से कीजिए, क्वेश्चंस आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन में, क्या वो भी रिपीट हुआ है क्या आगे चल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ग्लिसरॉल विथ एक्सेस ऑफ HI आपका क्या बनेगा, 2-hydropropane, allyl iodide, propane और ग्लिसरॉल ट्राईआयोडाइड, यानी ग्लिसरॉल को HI के साथ आपका ऐड करेंगे एक्सेस वार्म पे, तो क्या उत्पाद होगा आपको, क्या विकृत होगा, तो वो बताना है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 2-hydropropane। वो कैसे कि आपका जब ग्लिसरॉल को आपका HI के साथ एक्सेस में, यानी एक्सेस में है ये अधिकतम मात्रा में, ठीक है, वार्म किया जाता है, तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले तो बनता है 1, 2, 3 ट्राई आइडो प्रोपेन बनता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका चेंज हो जाता है आगे अलाइल आयोडाइड, फिर उसके बाद ये आपका प्रोपीन में बदलता है, फिर लास्ट में ये आपका दे देता है आपका प्रोडक्ट 2-hydro, न तो लास्ट प्रोडक्ट आपका 2-hydropropane हो जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा 2-hydropropane, ठीक है, क्योंकि ये सब इंटरमीडिएट है, ये वाला सारा इंटरमीडिएट रिएक्शन है, प्रोडक्ट आपका ये है, ठीक है। रिएक्टेंट आपका ग्लिसरॉल प्लस HI हो गया, और प्रोडक्ट यानी P आपका 2-hydropropane हो गया, तो आपका फर्स्ट आंसर सही होगा 2-hydropropane, ठीक है। आप इस सबका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो तो और समझ जाओगे, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शंस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि वैलियम क्या है आपका, ठीक है। तो ऑप्शंस एक एक करके देखते हैं, ए आपका एनाल्जेसिक है, यानी पीड़ा, एंटीहिस्टामाइन, प्रतिरोधी, तीसरा आपका प्रति हिस्टामाइन यानी एंटी हिस्टामाइन, ऊपर नीचे हो गया है,
और डी आपका प्रशांतक, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन है और ये बी है, ठीक है। सो आपको बताना है कि क्या है आपका। तो आपका वैलियम को हम लोग एक और अदर नेम से जानते हैं, डाइजेपाम, ठीक है, डाइजेपाम, जो कि एक सिडेटिव हिप्नोटिक है। क्या शांत करता है, एंजाइटी चिंता सबको, हम लोगों को शांत करता है, एंटी डिप्रेशन का काम करता है ये। क्या एंटी डिप्रेशन का काम करता है, हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा शांत करता है और हमें प्रशांतक का काम करता है, ठीक है। तो डाइजेपाम वैलियम एक सिडेटिव हिप्नोटिक्स है यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, तो ये क्लास 12th का लास्ट वाला चैप्टर से आया है आपका ड्रग्स, ठीक है, लास्ट चैप्टर से आया। तो उसको भी चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, वेलियम क्या था, अब चौथा वाला पे चलते हैं। चौथा में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एस्बेस्टोस आपका क्या है, यानी एस्बेस्टोस है एक कार्बोनेट, ऑक्साइड, सिलिकेट या सल्फाइड। आपको बताना है कमेंट करके कि क्या है आंसर सही। एस्बेस्टोस क्या है आपका, एस्बेस्टोस एक आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, एक सिलिकेट है, क्या है, सिलिकेट। तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, सिलिकेट। तो एस्बेस्टोस क्या है आपका, सिलिकेट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की क्लेमेंजन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज डन बाय। एक कीटोन का क्लेमेंजन अपचयन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है क्लेमेंजन रिडक्शन में कौन सा आपका कैटलिस्ट यूज होता है, किसके द्वारा कराया जाता है क्लेमेंजन्स में। आपको ऑप्शन है ए जेड एन, एस जी और एस सी एल, एल आई, ए एल एच फोर, एच टू और पी टी, और ग्लाइको प्लस के ओ एच, तो ग्लाइकॉल प्लस के ओ एच। तो कौन सा हम लोग कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी में से आपको बताना है, तो करेक्ट आपका कौन सा होगा क्लेमेंजन रिडक्शन में। तो चलिए पहले मैं रिएक्शंस बता देता हूँ, उसके बाद आंसर। उसको हम लोग जिंक अमलगम बोलते हैं, जिंक अमलगम और एक्वस एचसीएल में। तो आपका ए सही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला प्रश्न आपका पैरामेडिकल में रिपीटेड है, आ रखा है, ठीक है। आप लोग जो कर रखे हो 2010 से 20 तक का पूरा अच्छे से पेपर, उनको पता है कि ये क्वेश्चंस रिपीटेड है। जिनको पता है यस टाइप कर दीजिए, तो लाइव चैट में ये क्वेश्चंस क्लेमेंजन रिडक्शंस पे पैरामेडिकल में भी पूछ रखा है, एक बार यस टाइप कर दीजिए लाइव चैट में, ठीक है। तो यस टाइप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लेमेंजन रिडक्शन क्या है, फिर से एक बार बता देता हूँ, पिछले वीडियोज में मैंने बता रखा हूँ। क्लेमेंजन रिडक्शन में आपका ये हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग जेड एन और एस जी यानी जिंक अमलगम प्लस एक्वस एच सी एल डालते हैं, तो आपका रिडक्शन हो जाता है, क्या बन जाता है ये आपका, एच एच आर, ठीक है। ओ हटा के एच एच जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन हो गया। जेड एन एस जी क्या है आपका, जेड एन एस जी क्या है आपका, ये जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम, ठीक है, अमलगम है। तो क्लेमेंजन रिडक्शंस पे क्वेश्चंस बहुत बार आता है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए ना, इसको वीवीआई कर लीजिए, इस रिएक्शन को वीवीआई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एग्जामिनेशंस, अदर स्टेट्स के लिए भी ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटेक्टेड इन अ सॉल्यूशन बाय टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा, यानी किसके कारण होगा आपका टिंडल इफेक्ट, किसके उपस्थिति के कारण आपका टिंडल प्रभाव शो किया रहेगा, ठीक है। प्रभाव देगा प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन, ठीक है। तो प्रोटीन, लिपिड, कोलाइडल कण या हार्मोन, तो आपका टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। टिंडल इफेक्ट आपका शो करता है कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशंस हमेशा आपका कोलाइड्स आपका शो करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका होगा कोलाइड्स, ठीक है, क्या होगा आपका कोलाइड्स।
तो कोलाइडल कण आपका हमेशा कोलाइडल सॉल्यूशंस आपका कोलाइड्स आपका टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। क्या शो करेंगे? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है? लाइट को रोकना पासेज को, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट को स्कैटर कर देना, ठीक है। अगर आर पार हो गया और स्कैटर हो गया तो इसका मतलब आर पार हो गया तो कोलाइडल नहीं है, लेकिन स्कैटर हो गया लाइट तो आपका टिंडल इफेक्ट है, कोलाइड्स है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन में आप इस पर पूछता हूँ आपसे कि आपको दे रखा है मिल्क, स्टार्च, ठीक है, और आपका सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लीजिए, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट CuSO4 भी ले लीजिए। तो इसमें से बताइए तो कौन कौन सा आपका टिंडल प्रभाव शो करेगा? पहला है मिल्क, दूसरा है स्टार्च, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है कॉपर सल्फेट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला मिल्क यानी दूध, दूसरा है स्टार्च, ठीक है, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? आपका मिल्क और स्टार्च, करेक्ट, मिल्क और स्टार आपका कोलाइडल है, ठीक है, कोलाइड से इसमें, तो इसलिए टिंडल इफेक्ट शो करेगा। लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कोलाइडल नहीं है, तो उसमें से आराम से लाइट पास हो जाएगा विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। लेकिन सॉल्ट और मिल्क में सॉरी स्टार्च और मिल्क में आपका लाइट डिविएट करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो ये था आपका टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव समझ गए, टिंडल इफेक्ट क्या हो गया समझ गए, और ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कॉन्टैक्ट मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, यानी संपर्क विधि किसके उत्पादन के लिए होती है, ठीक है। तो HNO3, HCl एंड H2SO4, NH3। तो यानी आपको नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अल्म या अमोनिया, NH3। तो संपर्क विधि पे माय डियर स्टूडेंट्स ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका पैरामेडिकल में, यस टाइप कर दीजिए। तो जिसको पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन संपर्क विधि कॉन्टैक्ट मेथड कहीं पे दिखा हो आपको क्वेश्चन के रूप में या ऑप्शन के रूप में, तो ये आपको दिख रखा है, तो यस मैसेज है ये, ठीक है, यस ये क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल में भी आ रखा है, HNO3, HCl, H2SO4 और NH3 के ऊपर एक संपर्क विधि करके क्वेश्चंस था, मेथड ऑप्शंस में दे रखा था। तो इसका करेक्ट क्या होगा? हम लोग संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट मेथड में क्या प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं? सो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अल्म बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आ रखा है, ठीक है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अल्म बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्शंस में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को हम लोग जब वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तब जाके आपका कॉन्सेंट्रेटेड बनता है H2SO4। तो ये रिएक्शन है आपका प्रॉपर, ठीक है, तो ये रिएक्शन है कॉन्टैक्ट मेथड का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक 3 प्रश्न आ चुके हैं जो रिपीटेड है आपका पैरामेडिकल में, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पैरामेडिकल डेंटल अच्छे से कर लीजिए, खासकर बिहार पैरामेडिकल के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि हु इज अ डायमैग्नेटिक, यानी कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है। तो आपको बताना है कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन ABCD में से, ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर कौन सा आपका कंपाउंड शो करेगा। तो ये आपका चौथा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पैरामेडिकल में इस टाइप का क्वेश्चन आप देखे हो कि नहीं, यस टाइप कर दीजिए अगर देखे हो तो, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना। सो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीटेड है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आप पैरामेडिकल में भी देखे होंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, इसको VVI कर लो, इस टाइप का एक्सपेक्टेड है कि इस साल आपका आ सकता है पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल में, ठीक है। सो आपका ये निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आएगा, फिर चैप्टर नंबर 4 में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो करने आएगा, तब आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 2 11th क्लास का और चैप्टर नंबर 4 आना चाहिए, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आना चाहिए, तब जाके ये 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन बना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है।
इसका सही उत्तर होगा ए, ठीक है। और इसका कारण क्यों है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ए में आपका सब पेयर्ड है, ऑल आर पेयर्ड, बाकी सब में अनपेयर्ड अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो आपका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब में अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ठीक है। सो आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको निकालने का मैंने प्रीवियस ईयर में बता रखा है किस तरह से निकालना, वहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है, इसलिए आप जाके प्रीवियस ईयर पैरामेडिकल वाला प्लेलिस्ट में होगा, PMPMD में जाके 2013 या 14 में प्रश्न था, 12 13 14 में, वहाँ मैंने पूरे अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बता रखा है, तो एक बार जाके फिर से रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि NH4 ट्वाइस Cr2O7 आपका जब हम लोग तापित करेंगे यानी इसको हीट देंगे तो क्या उत्पाद होगा, ठीक है। तो N2 NO NO2 N2O5, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ रखा है। डायरेक्टली मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट रिपीटेड है, लेकिन नाइट्रोजन गैस प्रोडक्शन के ऊपर एक क्वेश्चंस में ऑप्शंस में था ये, तो ठीक है। तो ये भी आपके लिए VVI है, ठीक है, रिपीटेड इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऑप्शन में था आपका कि N2 करके था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आपका ए ही होगा, क्योंकि जब हम लोग हीट करेंगे ऑन हीटिंग NH4 ट्वाइस होल ट्वाइस को Cr2O7 को, सो आपका हीट करने पे आपका N2 गैस रिलीज होता है। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शंस किस तरह से होगा। तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को जब हम लोग हीट करेंगे तापित करेंगे तो आपका N2 गैस प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O ये रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका कलर क्या रहता है आपका, ऑरेंज, कलर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसका क्या कलर हो जाएगा, ग्रीन। अब आपका वर्क है कि क्लास के बाद आपको इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, और इसका केमिकल नेम क्या है, दोनों का आपको केमिकल नेम Cr2O3 और NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 का दोनों का केमिकल नेम कमेंट में करना है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट में आपको डालना है, मैं चेक करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कल की क्लास में अच्छा सा रिस्पांस दिए थे कमेंट में, वेरी गुड है सभी को, जो भी एक्टिवली रिस्पांस देते हैं कमेंट में मेरे प्रत्येक होमवर्क का, वेरी गुड है सभी को, इसी तरह से मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका ए, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। आखिरी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका आ सकता है आपके पैरामेडिकल एग्जाम में 2021 में, तो इसको VVI कर लीजिए। आज का बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीटेड और VVI था, ठीक है, पैरामेडिकल डेंटल से। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये तीन कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको फॉस्फोरस का ऑक्सीजीकरण अवस्था यानी ऑक्सीजनेशन स्टेट बताना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ठीक है, तीनों में पी का, इसमें इसमें और इसमें, तीनों में आपको पी का बताना है। तो ये निकालने का एक सिंपल मेथड है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंपाउंड के लिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो इसका 4 है तो 4 लिख लिए, प्लस यहाँ पे 2 फास्फोरस है तो 2x लिख लीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है। यहाँ पे 4 होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का, क्योंकि प्लस 1 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का प्लस 1 होता है। अब उसके बाद यहाँ पर आपका -10 हो जाएगा, कारण क्यों है, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का क्या रहता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 है तो 5 × −2 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 हो गया। तो टोटल आपका कीजिएगा तो आपका x क्या आएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो आपको अब कैलकुलेट कीजिए, तो x क्या निकला आपका, x आपका निकला +3, कैलकुलेशन कीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को, आपका +3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 − 4 हो गया तो 6, और x डिवाइडेड बाई उधर चल गया प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 6/2 हो गया, 3 + 3। दूसरा देख लेते हैं, H4P2O6, सिंपल है, 4 हो गया आपका हाइड्रोजन का प्लस 2 फॉस्फोरस है तो 2 × x, और यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो 6 − 2 यानी 12 12 हो गया × 0। तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ गया, x बराबर आपका, x बराबर क्या आ जाएगा,
प्लस 4, ठीक है, कर लीजिएगा कैलकुलेशन, बहुत इजी, इसको नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो बेबी स्टेप हो गया पूरा, इसको बस सॉल्व कीजिए, आपका एक्स आ गया। अब आपका लास्ट कंपाउंड क्या है, H4P2O7, ठीक है, तो चार तो रहता है हाइड्रोजन का, एक है तो चार से इंटू हो गया तो फोर हो गया, प्लस 2x, क्योंकि दो आपका फॉस्फोरस है इसमें भी, माइनस 7 इंटू, माइनस का साइन क्यों होगा कि 7 इंटू माइनस 2 होगा, तो आपका 14 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे कितना निकला आपका, प्लस प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 निकला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका 14 में से 4 चला जाएगा तो 10, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 10/2 तो प्लस 5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 रिस्पेक्टिवली, इसका प्लस 3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका प्लस 4, इसका प्लस 5। तो देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको सबका पता रहना चाहिए कि क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन का प्लस 1, ऑक्सीजन का माइनस 2, तो आप आराम से फॉस्फोरस का निकाल सकते हो। तो ये था तरीका आपका किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजीकरण अवस्था निकालने का, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आपको क्लास कैसे लगी आज की, ज़रूर कमेंट करके बताना। इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए ज्वाइन कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और हम का मैराथन क्लास जो कि था आपका पैरामेडिकल के लिए स्पेशल क्लास ऑन साइंस, तो इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं पूरा वीडियोस देख लीजिए प्रीवियस ईयर का अच्छे से, और सभी को ऑल द बेस्ट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छा जाएगा एग्जाम, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। चलिए।